हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब मैं लगाने वाली हूँ न्यू टेक्निक के साथ न्यू आलदा डिज़ाइन। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, अपना वियर कर लेती हूँ पायल। यहाँ पे मैं डेली वेयर में जो पहनती हूँ वही पायल में पहन रही हूँ। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ उत्सव का आलदा, उत्सव का ब्रास आलदा। इसमें एलोवेरा इसमें मिला हुआ है। और इस आलदा का ख़ास बात यह है कि ये लाल तो है ही इसका कलर, साथ में ये लाइटनिंग भी है। इसको जब आप लगाओगे अपने पैरों में तो लाइट करता है हल्का गोल्डन कलर में, काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज यही आलता मैं लगाने वाली हूँ, ये देखो। और नया टेक्निक के साथ आज लगाने वाली हूँ कुछ डिफरेंट आलता डिज़ाइन जो आपने कहीं भी नहीं देखा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ लकड़ी का चम्मच। लकड़ी का चम्मच से मैं आज आलता डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। वैसे आप स्टील के चम्मच से भी बना सकते हो, बट मैं आज बनाने वाली हूँ लकड़ी के चम्मच से आलता डिज़ाइन, बहुत ही इजी। यहाँ पर मैंने लिया ईयरबड और ईयरबड की हेल्प से ही मैं लगा रही हूँ। वैसे यदि आपके पास ईयरबड नहीं हो तो आप पतला सा लकड़ी लो और लकड़ी में कपड़ा बांध लो और आप उसकी हेल्प से कर सकते हैं। मौसम बहुत ही ख़राब है, हवा चल रहा है बहुत ही ज़्यादा, बारिश भी लगातार हो रही है, हवा भी चल रहा है, मानसून आ गया है ना, तो हवा का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये है, आप लकड़ी के चम्मच से भी आलता का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। बस ध्यान से देखो कैसे कैसे मैं लगा रही हूँ नया टेक्निक के साथ। यहाँ पे मैंने शेप बना लिया है। अब आप इसमें फ्लावर बनाओ या फिर पत्ता बनाओ या फिर इसमें आप कुछ भी फील करो। तो यहाँ पे मैं एक पतला सा लकड़ी ली हूँ, लकड़ी का एक टुकड़ा है ये, पतला सा सीक जैसा, आप झाड़ू का भी तोड़ करके कर सकते हैं यूज़। यहाँ पे मैं पत्ता का डिज़ाइन बना रही हूँ। पहले तो मैंने लाइनिंग लाइनिंग किया, देखो, उसके बाद फिर इसको मैं ऊपर से नीचे की ओर फिल कर दे रही हूँ हाफ। ऐसा हम लोग मेहंदी लगाते टाइम करते हैं, वैसा ही सेम मैं आलता लगाने टाइम भी कर रही हूँ। ये आलता डिज़ाइन आप किसी भी फेस्टिवल में लगाओ या फिर शादी ब्याह में लगाओ, अभी तो सीज़न चल रहा है शादी ब्याह का भी और सावन भी आने वाला है, हरा हरा मौसम, हरियाली आने वाली है, इसीलिए पत्ता वाला डिज़ाइन लगा रही हूँ। लेकिन ये है लाल पत्ता। तो फ्रेंड्स, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो लोग देख रहे होंगे कि मैं हमेशा लेटेस्ट डिज़ाइन लेकर के आती हूँ, कुछ नया नया डिज़ाइन लेकर के आती हूँ और कुछ ट्रिक के साथ भी लाती हूँ। कुछ इजी डिज़ाइन्स भी होते हैं, कुछ हार्ड भी होते हैं। तो जैसा आपको कम्फर्टेबल लगे वैसा आप लगा सकते हैं। और आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा मम्मी, मौसी, चाची, नानी सबको, क्योंकि हमारे यहाँ हर कोई आलता लगाता है। हमारी परंपरा ख़त्म नहीं होनी चाहिए, हमारी परंपरा बनी रहे और हम बेसिक से एडवांस डिज़ाइंस भी लगा सकें। हर चीज़ एडवांस हो गया है, आलता भी एडवांस होना चाहिए। पहले आता था तरल आलता और अभी तो वैसे बहुत कुछ मिलावटी हो गया है कि जिसको आप पैरों में लगाओगे तो आपके पैर भी फटने लगते हैं।
बट ये वाला जो आलता है ना, इसमें वैसा कुछ है नहीं, इसको लगाने से पैरों में पैर नहीं फटता, इसको लगाने से मैंने नोटिस किया है, ये वाला आलता लगाने से पैर नहीं फटता है। कुछ कुछ आलता ऐसे होते ना जिसको आप लगाओ तो तुरंत पैर फटने लगता है, सस्ता वाला। इसमें तो एलोवेरा और क्या क्या मिला हुआ है इस आलता में, तो आप वैसा ही देख करके आलता लो जिससे आपके पैरों को भी नुकसान नहीं हो और आपके पैरों की खूबसूरती भी बनी रहे। सेम डिज़ाइन जैसा मैं इधर लगा रही हूँ वैसे ही सेम उधर भी लगाना है। और मैं इस वीडियो में ओनली एक ही पैर में लगा करके दिखाने वाली हूँ, दोनों पैरों में नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ज़्यादा बड़ा वीडियो ज़्यादा कोई देखते नहीं है, इसीलिए फिर मैं दोनों पैरों में नहीं लगाऊंगी। यदि आप लोग बड़ा वीडियो देखते तो ज़्यादा टाइम दीजिएगा, उतना टाइम तो कोई देता नहीं है, तो फिर मैं एक ही पैर में लगा करके दिखाऊंगी आप सभी को। देखा आपने एक चम्मच की हेल्प से डिज़ाइन कैसा मैंने बनाया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था पूरा डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद। वैसे जब दोनों पैरों में लगेगा तो ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। आप सावन के दिनों में ये आलता डिज़ाइन ज़रूर अप्लाई करके देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और जो लोग आलता डिज़ाइन सीखना चाहते हैं या फिर लगाते हैं, हमेशा नया नया कुछ क्रिएट करते हैं, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, क्योंकि मैं हमेशा नया नया डिज़ाइन लेकर के आती हूँ और आऊँगी भी, बस विंटर में मैं नहीं लगाती हूँ, बाकी हर मौसम में लगाती हूँ। मैं पतला सा लकड़ी की हेल्प से यहाँ पे छोटा छोटा सा राउंड बना रही हूँ, गोला सा डिज़ाइन। मेरे पैरों में येलो कलर का नेल पेंट लगा हुआ है, मैंने तो एक दिन पहले ही लगाया है ये नेल पेंट, अभी रिमूव नहीं हुआ, तो मैंने सोचा येलो कलर के नेल पेंट के साथ भी एक आलता डिज़ाइन हो जाए। हैवी पायल मैंने नहीं पहना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा ओल्ड फैशन जैसा लग रहा था। सेम इधर भी वैसा ही लगाना है, तो मैं पूरा लगाते हुए नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो देख लो इतना ही देर में इतना बड़ा हो गया, तो फिर मैं दोनों साइड लगा करके नहीं दिखाऊंगी, पूरा लग जाएगा उसके बाद दिखाती हूँ। मतलब डिज़ाइन कैसे लगाना है वो बस मैं इस वीडियो में दिखाई हूँ कि आप ऐसा डिज़ाइन लगा सकते हो, और बीच में आप चाहो तो पत्ता का भी डिज़ाइन बना सकते थे, या फिर बीच में गोल भी कर सकते थे, गोला जैसा बेसिक में हम लोग करते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, या फिर पत्ता वाला डिज़ाइन भी अच्छा लगता, सीधा भी आप बना सकते थे, बट मैं वैसा बना ही नहीं हूँ। तो उधर मैं दिखाई नहीं कैसा बनाई हूँ, लास्ट में मैं दिखा दूँगी कैसे कैसे, क्योंकि सेम प्रोसेस है, जैसे मैंने इधर किया वैसे उधर भी करना, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए मैंने पूरा लगाते हुए नहीं दिखाया उस साइड। देखो कितना प्यारा लग रहा है आज का डिज़ाइन, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। एक पैर में आलता लगा, एक में नहीं लगा है, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स मेरे चैनल को, नया आलता डिज़ाइन देखने के लिए कॉन्टेक्ट में बने रहें। बाय बाय। मैं इंस्टाग्राम ID The Arch of Beauty, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching my video.